हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं देख न्यूज, मैं हूं आपके साथ में पवन तिवारी। वोडाफोन आइडिया ने सबसे पहले अपने प्रीपेड प्लान और डाटा एक्स्ट्रा डाटा वाले जो प्लान थे, तमाम जो प्लान थे उनमें चेंजेस किए और इसके बाद एयरटेल भी इसी कतार में शामिल हो गया और अब रिलायंस जियो भी इसी कतार में शामिल होते हुए उसने भी अपने प्रीपेड प्लान और डाटा एक्स्ट्रा डाटा वाले जितने भी प्लान थे उन सभी में बढ़ोतरी कर दी है। हम आपको बता दें कि जो प्लान हैं लगभग 30 रुपये से लेकर 40 रुपये, 30 रुपये से लेकर 500 रुपये तक बढ़ोतरी हुई है और इन प्लान्स में 500 रुपये तक की बढ़ोतरी देखने को मिली है। आपको बता दें कि 24 दिन से लेकर 365 दिन वाले जितने प्लान से उनमें जो रेट हैं वो बढ़ाए गए हैं और जो नई कीमतें हैं वो 1 दिसंबर 2021 से लागू होंगी, यानी अभी आपके पास केवल 2 दिन है और इन्हीं 2 दिनों में आप पुराने रेट्स जो हैं, पुराने जो रेट हैं प्लान्स के, उन पर रिचार्ज कर सकते हैं। अब आपको जानकारी दें, थोड़ी सी विस्तृत जानकारी हम आपको स्क्रीन पर दिखाएंगे, लेकिन जो थोड़ी जानकारी है उसके बारे में हम आपको बता दें कि 129 वाला जो प्लान था, 129 रुपए का ये प्लान हुआ करता था, जिसे अब 155 रुपए का कर दिया गया है, लगभग 26 रुपए की बढ़ोतरी इस प्लान में देखने को मिली है। वहीं 199 रुपए का जो प्लान था उसे 239 रुपए का कर दिया गया है, 40 रुपए की बढ़ोतरी इस प्लान में हुई। 249 रुपए का जो प्लान था वो 299, यानी 50 रुपए की बढ़ोतरी इस प्लान में देखने को मिली। और 84 दिन वाला जो प्लान जियो का, रिलायंस जियो देता था, उसे 120 रुपए तक महंगा कर दिया गया है। 329 रुपए वाले प्लान को 395 रुपए का कर दिया गया है, 66 रुपए की बढ़ोतरी इस प्लान में देखने को मिली। वहीं 555 रुपए का रिलायंस जियो का जो प्लान हुआ करता था उसे 666 रुपए कर दिया गया, 111 रुपए की बढ़ोतरी इस प्लान में देखने को मिली है। वहीं 599 रुपए वाले प्लान को 719 रुपए तक बढ़ा दिया गया है, 120 रुपए की बढ़ोतरी इस प्लान में देखने को मिली। वहीं हम आपको बता दें, जो 1 साल का प्लान हुआ करता था उसमें लगभग 500 रुपए की बढ़ोतरी देखने को मिली है और 1 दिसंबर 2021, यानी 2 दिन बाद से ये नई कीमतें लागू हो जाएंगी। ऐसे में हम आपको बता दें कि 2 दिन आपके पास हैं, आप पुराने प्लान पर, पुराने पैसों पर, जो रेट पुराने हैं उन पर रिचार्ज कर सकते हैं। वहीं जियो ने प्लान बढ़ाने के बाद भी सबसे कम कीमत में प्लान देने का दावा किया है और जियो दावा कर रहा है कि अभी भी रिलायंस जियो और कंपनीज के मुताबिक सबसे कम पैसों में, सबसे कम रुपयों में आपको डाटा और अनलिमिटेड कॉल पहुंचा रहा है। हम आपको बता दें कि अभी 1 दिसंबर से ये लागू होंगी। वहीं एयरटेल वोडाफोन ने पहले से ही इस रेट को बढ़ा दिया है, तो ऐसे में आपने अगर रिचार्ज नहीं किया है तो जल्दी से जाकर 2 दिन आपके पास बचे हैं पुराने प्लान्स में, पुराने रुपयों में रिचार्ज कर लें। आपकी क्या राय है इसको लेकर कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। इस वीडियो को जरूर लाइक करें और ऐसी तमाम अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।